हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल इंडियन किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अंगूर से किशमिश कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई डिश बनाते हैं तो हमें लड्डू या खीर बनाते हैं तो हमें इन किशमिश की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप इन अंगूर से किशमिश बनाकर साल भर रख कर इसका जो फ़ायदा है वो उठा सकते हैं और ये साल भर भी ख़राब नहीं होती है। अभी मार्केट में अंगूर काफ़ी आ रहे हैं तो आप इनका जो फ़ायदा है उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आधी किलो से ये जो किशमिश बनाई है, तो चलिए मैं आपके साथ रेसिपी शुरू करती हूँ। पर रेसिपी शुरू करने से पहले आपको जो मेरा वीडियो है शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए मैं आपके साथ रेसिपी शुरू करती हूँ। अंगूर से किशमिश बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमने ये आधा केजी अंगूर लिए हैं, इन्हें अच्छे से हमने वॉश कर लिया था। इन अंगूरों को हम एक एक करके अलग कर लेते हैं। सारे अंगूरों को हम इस प्रकार से तोड़ लेते हैं। जो अंगूर खराब हों या कटे फटे हों उन्हें हम अलग रख देते हैं, क्योंकि जो एक अंगूर की वजह से जो किशमिश है वो खराब हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार सारे अंगूरों को तोड़ लेना है। जो छोटे अंगूर हैं इस प्रकार से उसे हम साइड में रख देते हैं। किशमिश बनाने के लिए आप तो सबसे पहले आप इस प्रकार से जो ये मोटे मोटे से जो अंगूर है इसे भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा कटा है, इसे हम निकाल देते हैं, साइड में रख देते हैं। और आप चाहें तो ये थोड़े लंबे लंबे अंगूर आते हैं उन्हें भी आप ले सकते हैं, इनसे भी किशमिश है जो काफ़ी अच्छी बनती हैं। अगर आपके पास ये ग्रीन वाले अंगूर नहीं हैं तो आप इसकी जगह पर जो काले अंगूर आते हैं उनसे भी किशमिश बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जो अंगूर हमने तोड़ लिए हैं, आज मैं आपको दो तरीके से अंगूर से किशमिश बनाने की रेसिपी बताऊंगी। गैस पे हमने एक बर्तन रख दिया है, ज़्यादा अंगूर से किशमिश नहीं बना रहे हैं, मात्र हम आधी किलो अंगूर से किशमिश बना रहे हैं, इसलिए हमने छोटा बर्तन लिया है और इसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी हमें इतना डालना है जितने अंगूर इसमें डूब सकें और डूब कर ऊपर आ सकें। लगभग हमने 2 से 3 गिलास पानी लिया है। गैस को हमने ऑन कर दिया है और दूसरी गैस पे हमने फ्रेंड जिससे हम इडली बनाते हैं वो बर्तन हमने दूसरी गैस पे रख दिया है, पर गैस को अभी हमने जलाया नहीं है। इसमें भी हम पानी डाल देते हैं। इसमें भी हमने लगभग 2 गिलास पानी डाल दिया है। हमने पानी डाल दिया है, गैस को फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं। फ्रेंड्स, देखिए जो इडली बनाते हैं जिसमें ये नीचे वाला निशान आपको दिख रहा है, इतना पानी हमें डालना है। और ये जो इडली वाला जो साँचा है इसमें हम जो अंगूर हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, जो पानी है, पानी डालने के बाद पानी को हमें बॉयल नहीं करना, ना ज़्यादा गर्म करना है। एक तरीका तो फ्रेंड्स ये है कि जो अंगूर है वो हम इस पानी में डालकर बॉईल कर लेते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि पानी में अंगूर जाने से जो अंगूर का जो स्वीटनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और जो अंगूर है उनमें पानी भी भर जाता है। इसलिए ये तरीका वैसे लगभग थोड़ा थोड़ा तो सही है लेकिन ज़्यादा सही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ वो तरीका एकदम सही है किशमिश बनाने के लिए। ये हमने पानी लिया, गैस की फ्लेम को हाई करा, जैसे ही पानी बॉयल होने लगे और इसके ऊपर हम रख देते हैं जाली। पानी जैसे ही हल्का सा गर्म हो इसमें हमने रख दिए जाली। ये वही जाली है फ्रेंड जिससे हम आटे को छानते हैं। अगर आपके पास कोई और जाली हो तो आप इस प्रकार से रख दीजिए। और जो अंगूर हैं इसमें हम डाल देते हैं। ये हमने जाली के ऊपर पूरे अंगूर हैं वो फैला दिए हैं और इसे हम ढक देते हैं। अब हम 2-3 मिनट तक पानी को बॉईल होने देते हैं, क्योंकि हम ये जो अंगूर से किशमिश बना रहे हैं वो हम भाप में बना रहे हैं। अब हम दूसरी तरफ देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो पानी है वो भी बॉईल होने लगा। ये इडली का जो साँचा था उसमें हमने पूरे अंगूर भर दिए हैं, इसे हम रख देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा अंगूर से किशमिश बना रहे हैं तो आप इस अंगूर को 2-3 बार करके स्टीम कर सकते हैं। इसे हम कवर कर देते हैं
चार से पाँच मिनट के लिए। पाँच मिनट हो चुके हैं, अब हम इस ढक्कन को उठाकर चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जो अंगूर है वो अच्छे से पक चुके हैं। देखिए फ्रेंड, जो अंगूर है इसमें एक सिकुड़न प्रकार की आ गई है। गैस के फ्लेम को हम कर देते हैं बंद। अब इस जाली को हम उठाकर साइड में रख देते हैं और दूसरा जो अपना इडली के कुकर में जो हम आपको अंगूर दिखा रहे थे उसे भी हम आपको दिखा देते हैं। अब जो इडली के सांचे वाला जो अंगूर है उसे भी हम चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अंगूरों को हमें पाँच मिनट तक तो पकाना ही है। अगर आपको लगता है जो आपके अंगूर हैं वो सही तरीके से नहीं पके तो आप दो मिनट और दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी देखिए अच्छे से काफ़ी अच्छे पक चुका है और इसमें भी सिकुड़न आ गई है। इसका मतलब जो हमारे अंगूर है वो किशमिश बनने को तैयार हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो सारी किशमिश हमने जाली के ऊपर निकाल ली है। जब भी आप किशमिश बनाएं तो धूप काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तेज़ होनी चाहिए, और जिसे आप मॉर्निंग में बनाएंगे तब जाके आपकी किशमिश शाम तक अच्छे से सूख पाएगी। इसे हम कप मैंने एक पेपर लिया है, पेपर के ऊपर एक कॉटन का कपड़ा बिछा दिया है। इस पे जो अंगूर हैं अपने इसमें हम दूर दूर करके फैला देते हैं। दूर हटो परे, धूप काफ़ी तेज़ है। जो किशमिश है वो हमारी 3 से 4 दिन के अंदर बनकर रेडी हो जाएगी। मम्मा क्या कर रही हो? किशमिश बना रही हूँ। अंगूर से कौन किशमिश बनाता है? मैं। ये सारी किशमिश हमने इसमें फैला दी हैं, कुछ मैंने दूसरे कपड़े पे फैला दी हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई स्टैंड हो जो ज़मीन से थोड़ा ऊंचा हो उसके ऊपर आप ये अंगूर है उसको फैला सकते हैं ताकि नीचे ऊपर से दोनों जगह से सूख सकें। मिलते हैं हम आपको शाम को या फिर 2 दिन बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 दिन धूप लगने के बाद जो हमारे अंगूर थे किशमिश के रूप में आ गए हैं। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे लग रहे हैं, मैं पास के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, जब भी आप अंगूर से किशमिश बनाने की सोच रहे हों तब आप ये देख लीजिए, जो धूप है काफ़ी तेज़ होनी चाहिए और अंगूर को एक दिन में तो अंगूर जो हैं वो सूख नहीं पाते, इसलिए अंगूर को हम 2 से 3 दिन अच्छे से सुखाकर और एकदम ड्राई करके ही हमें इसी किसी एयरटाइट कंटेनर में भर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक से और कमेंट करना ना भूलिए और देखते रहिए मेरे चैनल रॉयल इंडियन किचन को। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।